Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो भाई यहाँ पर था मैं खेलना वाला अभी वन वन रैंक इंडिया का टूर्नामेंट। तो भाई पिछली बार है ना इसके अंदर मैं फेज थ्री में जाकर हारा था नेटलैग खाने की वजह से, लेकिन देखते हैं आप भाई मैं फेज टू भी क्लियर कर पाता हूँ कि नहीं, यहाँ पर भी देखते हैं क्या होगा आगे भी। और यहाँ पर भाई पहला राउंड आ चुका है, सुपर स्लाइड के अंदर आ गया पहला राउंड, तो एकदम आराम से खेलना पड़ेगा। और भाई दोपहर के टाइम पर मैं बहुत गंदा हारा था उसके अंदर एशिया वाले टूर्नामेंट में, तीन राउंड हार के बाहर हो गया था भाई, लेकिन देखते हैं इसमें मुझे तीन राउंड नहीं हारना है। तमाम अरे गिर गया वो, तो मुझे एकदम अच्छा खासा मौका मिल गया, तो अच्छे से खेलूंगा अभी इसके अंदर। यहाँ पर आगे इसके आगे निकल चुका हूँ, एकदम आराम से भागते रहना मुझे, और कर गया इसके ऊपर आ गया मैं भी, और गिरना नहीं भाई यहाँ पर कहीं भी अगर गिरूंगा तो सीधा एकदम स्टार्टिंग में फेंकेगा, मतलब अगर चेक पॉइंट नहीं गिरा तो अगर गिरना तो भाई फेंक देगा कहीं पर कहीं ना के बीच में। तो यहाँ पर आ गया इसके ऊपर एकदम आराम से निकल गया आगे की तरफ, और ऐसे ही खेलते रहना मुझे क्वालीफाई करने के लिए। यहाँ पर स्पीड बूस्टर भी मिल गया मुझे एकदम अच्छे से, और आ गया इसके ऊपर, और अब तो भाई क्वालीफाई करेगा एकदम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी खतरा है थोड़ा बहुत, खतरा खत्म नहीं हुआ भाई। यहाँ पर आ गया इसके बैग, और अब तो अब खत्म होगा भाई, अब चांस ही नहीं यहाँ पर गिरने का, और अब तो भाई क्वालीफाई कर जाऊंगा एकदम। और कर गया भाई पहले राउंड में एकदम इजीली क्वालीफाई कर गया मैं, देखते हैं सेकंड राउंड में क्या होगा आगे भी। और आ चुका भाई सेकंड राउंड, यहाँ पर हमारे स्टंबल आ गया है, तो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, हारना नहीं भाई, यहाँ पर मौका मिलना चाहिए मुझे अच्छे से। अरे भाई इसको आगे रखा हल्का सा, एकदम आराम से भागूंगा इसके आगे, इसके आगे निकल जाऊँ ना एक बार भाई, काम हो जाएगा मेरे रुको रुको, एकदम आराम से जंप लगा के यहाँ पर डाइव मार दूंगा। और यहाँ पर भाई कहाँ डाइव मार दिया भाई मैंने, गलत जगह कितनी डाइव मारो, यहाँ पर इतना पीछे रिस्पॉन करा भाई इसने मुझे, और अब तो एकदम आगे निकल गया रहेगा वो अभी तक का। यहाँ पर देखो भाई कितना आगे भाग रहा भाई, कितना आगे भाग रहा है वो, अब तो भाई मेरा भाई कितना आगे निकल गया यार वो इतनी जल्दी, मेरे को कुछ आता इसने पीछे रिस्पॉन करा जिसकी वजह से इतना आगे निकल गया वो। और यहाँ पर भाई अब तो भाई घुस जाएगा अब तो अब भी जाकर यहाँ पर क्वालीफाई कर रहा हूँ यार। और आ चुका यहाँ पर भी ब्लॉक डैश आ गया, तो भाई स्टार्ट होते मैं अपना एक मैच हार गया, दूसरा मैच हारा हूँ, पहला मैच जीत गया था, लेकिन भाई यहाँ पर देखता है तीसरा राउंड ये, इसमें मुझे क्वालीफाई करना है कैसे भी करके। और यहाँ पर ये चलो यहाँ पर मेरे को लगा इसका भी गेम बंद है भाई, ऐसे वाले टूर्नामेंट की तरह ये भी गिरेगा, गिर जाएगा क्या भाई, भाई आ जाओ ऊपर ऊपर आ जाओ भाई, यहाँ पर आता है कि नहीं देखते हैं। और आ गया भाई ऊपर आ गया ये, और ये भी स्टंट मार के खेल रहा है भाई, ये भी हीरो बन के खेल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे गिरेगा आगे जाके। यहाँ पर देखो खेल रहा है अच्छे से, लेकिन देखते हैं लेकिन क्या कर देगा, गिर गया भाई ये भी गिर गया भाई, पिछली बार वाली की तरह एशिया वाले टूर्नामेंट में एक प्लेयर आया था हीरो बन के खेल रहा था, गिर गया वो, ये भी भाई हीरो बन के खेलने के चक्कर में गिर गया, और मैं कर गया क्वालीफाई, देखते अब चौथे राउंड में क्या होगा आगे भी। और यहाँ पर आ चुका अभी स्पिन वो राउंड आ गया है, तो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, अच्छे से खेलना भाई इसमें मुझे क्वालीफाई करना भाई एकदम आराम से, उसके आगे रखा एकदम इसका आगे भागूंगा, रुको रुको यहाँ पर डाइव मारते चलो इसका आगे निकल गया भाई, इसका आगे निकल चुका हूँ, और यहाँ पर एक और जंबो डाइव लगाऊंगा एकदम अच्छे से भाई, चलो निकल गया इसके आगे। और यहाँ पर एकदम आराम से मेरे को भागते रहना ऐसी एकदम आराम से भाई, ये मेरे ऊपर से भाई, ये भाई ये क्या ये, अबे ऊपर से कैसे निकल गया, अबे यार भाग यार इतना अच्छा मैं इसके आगे निकला तो भाई इतना भाग के निकल गया, देखो इतना आगे ये, मैं कितनी बार ऊपर से निकलने का सोचा भाई, मेरे को एकदम पिछला के पीछे गिरा देता यार ये, और वो कूदा तो भाई इसको बराबर ऊपर से आगे निकाला भाई, कैसे यार भाई कुछ भी होता भाई इसके अंदर, भाग यार एक और राउंड हार गया मैं। और आ चुका है पांचवा राउंड, यहाँ पर आ चुका है भाई, देखते हैं इसमें क्या होगा, दो राउंड तो ऑलरेडी हार चुका हूँ मैं, इसमें भी नहीं हारूंगा भाई, तुम अच्छे से करूंगा रुको। और भाई वही प्लेयर आ गया भाई जिसको हराया था मैंने ब्लॉक डैश में, यहाँ पर एकदम आराम से, अबे यार ये सामने आ गया भाई मेरे, और ये ट्रिक मार के भागेगा, नहीं ट्रिक नहीं मारा, गिर गया भाई चलो गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया और गिर गया वहाँ पर, और मुझे चांस मिल जाएगा एकदम अच्छा खासा, यहाँ पर एकदम आराम से भागूंगा, ट्रिक गिर नहीं मारूंगा फालतू की, मेरे से होती भी नहीं भाई क्या हीरो बनता फालतू डायलॉग मार के मैं। यहाँ पर एकदम आराम से भाई पहुँच गया इसके ऊपर, एकदम अच्छे से खेलना भाई, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी कहीं पर भी। यहाँ पर आ गया इसके भी ऊपर, और यहाँ पर डायरेक्टली प्लेट पे नहीं पहुँच पाएगा तो ज़मीन की तरफ से कूद जाऊँगा यहाँ पर, अबे क्या गलत टाइप मारा भाई मैंने, इतनी गलत टाइप मारा भाई, इतना पीछे रिस्पॉन करा मुझे इसने यहाँ पर भी, अब तो हार गया भाई, एकदम आराम से जा रहा हूँ वो, एकदम आराम से आगे आगे, और यहाँ पर दिख नहीं रहा मुझे, शायद गिरेगा होगा पीछे की तरफ, क्या बोल सकते हैं यार ये, अब तो हार गया भाई मैं, अब चांस है नहीं यहाँ पर खेलने का, फालतू बस खेल रहा हूँ टाइम पास करने के लिए, अब खेल के मतलब है नहीं भाई, पहुँच गया वो एकदम राउंड क्लियर होने तक का। और देखो भाई यहाँ पे प्लेट पर पहुँच गया, देखो भाई प्लेट के ऊपर पहुँच गया, अब तो भाई जीत आएगा वो, एकदम आराम से खेल रहा भाई, डाइव कुछ नहीं मार रहा यार ये, कर क्या रहा भाई ये, डाइव भी नहीं कर रहा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो खेल रहा बस अपना, और मैं इसके आगे निकल गया यहाँ पर, और अब तो भाई मैं जीत जाऊँगा भाई, मेरे को मौका दीजिए इसने जीतने का एकदम अच्छा खासा, यहाँ पर को ट्रिक मार दूंगा एडमिट जाने के बाद, एकदम आराम से एक ट्रिक मारूंगा तो भाई जीत भी जाऊँगा। यहाँ पर आ गया इसके ऊपर, यहाँ पर टच, अबे ये भाई क्या करा इसने, अबे मेरे को उड़ाया नहीं इसने, पूरा मैं टच हुआ भाई लाइन के ऊपर और उसने उड़ाया भी नहीं भाई, ये क्या चिटिंग है यार, मैं क्या गंदी चिटिंग है भाई, मैं पूरा टच हुआ था लाइन के ऊपर इसने उड़ाया भी नहीं वहाँ पे, ये क्या यार। और यहाँ पर आ चुका भी लावा लैंड, तो भाई पिछले राउंड के अंदर भाई इतना अच्छा मैं खेल रहा था, मैं टच हो गया था एंडमैन का लाइन पे, फिर भी मेरे को उड़ाया नहीं उसने वहाँ पर, नहीं तो भाई कर जाता यार क्वालीफाई कर ही जाता उसके अंदर भी, क्या बोलने का यार, लेकिन भाई जाने दो खेलो, अभी तीन राउंड हार गया इसमें भी मार फेंकेगा मेरे को। और सुबह वाले टूर्नामेंट में ना मुझे 37 नंबर पर रखा था, और इसके अंदर तो भाई 45 लोग क्वालीफाई करते, तो भाई वापस अगर 37 पर रखेगा तो मैं कर जाऊँगा क्वालीफाई एकदम आराम से सेकंड फेज के लिए, और मुझे हारना नहीं इसलिए मुझे कुछ भी, तीन राउंड लगातार जीतने पड़ेंगे मुझे अभी भाई यार, तीन लगातार जीतने पड़ेंगे यार, एक भी हारा तो भाई फिर पक्का मार हो जाऊंगा, इसलिए हारना नहीं भाई, तुम आराम से खेलना इसके अंदर भी, आगे इसके ऊपर आगे, और अभी कहाँ आएंगे ब्लॉक पीछे की तरफ,
एकदम मैं धक्का दे रहा भाई, धक्का क्यों दे रहा है, धक्का दे रहा है क्या? धक्का मत दो भाई, धक्का मत दो, आराम से खेलेंगे हम दोनों, हम दोनों को ही पॉइंट की जरूरत है, तो एकदम फेयर गेम करेंगे, धक्का वक्का नहीं मारेंगे किसको भी। और वो आगे चढ़ के ऊपर चले गया वो, और अगर पंच होता भाई, पंच मार दिया होता मैं उसको अभी तक, और उसने भी मेरे को मार दिया होता यार। और देखो गोल गोल घूम रहे, देखो मैं यहाँ पर इसको गिरा सकता था लेकिन मैंने गिराया नहीं, उसके यहाँ पर मेरा मन नहीं हुआ गिराने का, मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई, वो एंजॉय करके खेल रहा भाई, खेलो एंजॉय करके, फालतू में धक्कम धुक्की मत करो। और अगर मैं गोल गोल घुमाता भाई, मेरे को धक्का देकर गिरा दिया होता उसने पहला मौका पाती, लेकिन कोई भी बात नहीं हुआ, यहाँ पर गिर गया वो, अरे आ गया ऊपर मेरे को लगा गिर गया वो वहाँ पर, लेकिन आ गया था ऊपर, और यहाँ पर आ जाऊँगा पीछे की तरफ, पहले मैं सोचा आगे की तरफ कूदने के, लेकिन वहाँ पर कुछ मतलब था नहीं कूद के, और आ गया इसके ऊपर, और वो भी आ चुका है, और यहाँ पर गिर गया भाई, गिर गया, चलो गिर गया भाई, गिर गया वहाँ पर वो, और कर गया भाई, मैं छठे राउंड में क्वालीफाई करके देखते, अब सातवें राउंड में क्या होगा आगे भी। और यहाँ पर आ चुका अभी जंगल रोल सातवें राउंड के अंदर, इस बार भी मुझे पीछे रखा यार इसने, वो बिल्ले की स्क्रीन वाले को राइट में रखा यार, मेरे को पीछे रखा इसने यार, अब देखो कितना अच्छे से भागेगा वो, यहाँ पर भाई ट्रिक भी मारेगा तो मेरी और भाई फंस गया, फंस गया वहाँ पर, फंस गया यहाँ पर, रुको मेरे को तो आगे भागना अच्छे से, और ये खड़े नहीं हो रहा, चलो भाई एक और ट्रिक होगा भाई मेरे यहाँ पर, ये खड़े नहीं हो रहा लेकिन मेरा काम बन गया भाई, यहाँ पर रुको एकदम आराम से, और गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा मेरे को, पिसल भाई, पिसल मत भाई, पिसल मत, पिसल मत, अच्छे से पिसल मत, तब यहाँ पर आ गया भाई, एकदम आगे भागते हुए आ गया मैं, और यहाँ पर गिरना नहीं भाई, गिरना नहीं है, एकदम अच्छे से आ गया इसके ऊपर, और एक्स्ट्रा डाइव मारूंगा तो भाई पक्का गिर जाऊंगा यहाँ पर, रुको एकदम आराम से, यहाँ पर डाइव जानबूझ के नहीं मारा मैंने, क्योंकि अगर मारा होता ना भाई मैं सीधा खाई में गिरा होता, लेकिन भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पर आ गया इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर पहुँच गया, और अब तो भाई क्वालीफाई कर जाऊंगा यहाँ से भी, चांस ही नहीं भाई हारने का यहाँ पर, तो एकदम फिनिश लाइन तक पहुँचेगा पूरा का पूरा मैं, और कर गया भाई सातवें राउंड, यहाँ पर मैं क्वालीफाई करके देखता, अब आठवें राउंड में क्या होगा भाई, आगे आखिरी राउंड है इस फेज का, लेकिन देखते क्या होता है उसमें अभी। और आ चुका यहाँ पर अभी लेजर ट्रेसर आ गया आठवें राउंड के अंदर, तो देखता भाई कितना लंबा ये राउंड चलेगा अभी भाई, जल्दी एलिमेंट हो जाना भाई तू, फटाक से एलिमेंट हो जाना ताकि मैं जल्दी से सेकंड फेज में पहुँच जाऊँ, मुझे लग रहा भाई मैं बाहर हो जाऊँगा, ऐसा फील आ रही है मुझे, अगर सुबह वाली रैंकिंग के हिसाब से, एशिया वाली रैंकिंग के हिसाब से अगर मुझे 37 पे रखा तो भाई पक्का मैं क्वालीफाई कर जाऊँगा, तीन राउंड हारा था भाई सुबह भी तो 37 पे रखा था, और अगर इसने मुझे 45 के बाहर फेंका तो मैं समझ जाऊँगा भाई इसको मुझे क्वालीफाई करना ही नहीं देना है, यहाँ पर मुझे मुझे क्या मतलब, बहुत सारे प्लेयर बाहर होते हैं भाई, लेकिन मैं अपने आपको डायलॉग मारने के लिए बोलता हूँ ऐसी, लेकिन भाई जाने तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गया इसके ऊपर, और कितना लंबा खेलेगा भाई, फटाक से गिर जाना यार, गिर जा भाई, गिर जा कहीं भी, गिर जा जाके यार, लेजर पर टच हो जा चलते, मेरा अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन भाई पता नहीं क्यों मोड में नहीं शायद वो, या तो खेलने से मतलब उसको बस खेल रहा है अगर वो टाइम पास के लिए, या तो प्रो प्लेयर होगा भाई, देख के तो लग रहा है कि अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई देखते कितना लंबा खेल पाएगा यहाँ पर भी, एकदम आराम से भाई, एकदम आराम आराम से आ जाऊँगा भाई, पीछे की तरफ आ गया मैं अभी, और यहाँ पर आ गया इसके ऊपर, और यहाँ पर निकल गया आगे की, अरे अरे भाई गिरते गिरते बचाया वो, मुझे लग रहा था भाई, मुझे लग रहा था पक्का गिर गया, लेकिन भाई बच गया वो, और अब पता नहीं क्या होगा भाई यहाँ पर, एकदम आराम से जंप करते हुए खेल रहा हूँ एकदम अच्छे से, आ गया इसके ऊपर, और ये क्या करने वाला है, लेकिन चले जाओ इसके आगे चले जाओ, और यहाँ पर अभी भाई एकदम आराम आराम से, आराम आराम से आ जाओ नीचे की तरफ, और ये अब जाएगा भाई, ये जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, चलो भाई यहाँ पर एलिमिनेट हो गया वो, और यहाँ पर मैं अपने कितना 8 राउंड में क्वालीफाई करके देखते हैं अब रैंकिंग में कितना नंबर रखा इसने मुझे अभी आगे, तो आज यहाँ पर अभी रैंकिंग आ चुकी, तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा 24 नंबर पे हूँ मैं, लेकिन देखते हैं, और यहाँ पर 25 नंबर पे, और अभी तक टूर्नामेंट खत्म नहीं भाई, 20 मिनट बाकी अभी 20 के अंदर, तो भाई देखते हैं 20 मिनट के बाद मेरे को कितने नंबर रखा और मैं सेकंड फेज में क्वालीफाई कर पाता हूँ कि नहीं आगे अभी, तो गाइस यहाँ पर मैं भाई 1.5 घंटे के बाद आके देख रहा हूँ, तो भाई मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं सेकंड फेज के लिए क्वालीफाई हो गया था, मुझे ऐसा लगा मैं नहीं हो पाऊंगा तो भाई मैंने एकदम बंद करके रख दिया था, लेकिन भाई यहाँ पर आके जब मैं देख रहा हूँ तो भाई मैं हो गया था सेकंड फेज के लिए क्वालीफाई, और देखते भाई अंदर मेरी रैंकिंग कितनी थी, यहाँ पर भाई देखते हैं रैंकिंग, दिखा यार जल्दी दिखा, और यहाँ पर भाई मैं 31 पे हूँ भाई यार, अबे मुझे अगर एशिया वाले पे 31 पे रखा होता भाई मैं फेज टू में चले गया था एशिया के टूर्नामेंट में, लेकिन भाई उसने मुझे 37 पे रखा था तब, लेकिन भाई कोई बात नहीं, वैसे भी यार मैं खेल भी नहीं पाया, मेरे को जरूरी काम आ गया था इसकी वजह से मैं उसको बंद करके चले गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पक्का एलिमिनेट हो जाऊंगा, तो भाई मैंने ध्यान भी नहीं दिया इसके ऊपर, तो भाई आजकल बस इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब मैं आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।